नमस्कार दोस्तों, शेर सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे पास एक सेलिंग फ़ैन है और इसको मैं रिपेयर किया। ये जो है इसका स्लॉट है, स्लॉट का जो कॉइल था जल गया था और इसको निकालने में मेरा जो स्क्रू ड्राइवर से जो पेच का जगह दिया है वो टूट गया था, क्योंकि लोहे का बॉडी है और मैंने इसमें नया वायरिंग डाल चुका हूँ। और इसमें दिक्कत क्या थी मैं बताना चाहूँगा। नज़दीक से इसको निकालते समय टूट गया था ये, तो मैंने गया मार्केट में और पीतल का वेल्डिंग कराया, यहाँ पर टाका लगवाया, दो इस पर लगवाया, दो इस पर लगवाया, दो इस पर लगवाया, चार ठो इस पर लगा दिया, क्योंकि ये लोहे का वेल्डिंग है। वेल्डिंग करने से यहाँ पर जल भी गया इसका पेंट। मैं इसको बनवा कर लाया हूँ, मैं इसको दिखाऊँगा कैसे इसको फिटिंग किया जाता है। मैं इसका ये रोटर है, रोटर को पहले अंदर लगाएंगे। आप लोग वीडियो में देखते रहिए, हम आपको बताते हैं कैसे इसको कसा जाता है। इसको ये हो गया, ये नीचे वाला बॉडी है और ये जिसमें ऊपर वाला बॉडी है, देखिए इसमें कैपेसिटर लगा है, ये कॉइल है कॉपर का, प्योर कॉपर है, 14 स्लॉट का है। मैं इसको अंदर डालूँगा। इसको सबसे पहले इसमें हम लोग जो स्प्रिंग है इसको स्प्रिंग डालेंगे। पहले डालने के बाद गिर जा रहा है तो पहले स्प्रिंग को यहाँ रख लें, उसके बाद ये पड़ गया इसमें, ये पड़ गया है। अब इसको मिलाना पड़ेगा जो स्क्रूप है कसने के लिए। देखिए इसको मैं लगाता हूँ, बैठ गया है, इसमें स्क्रूप डालेंगे हम लोग। इसमें तीन स्क्रूप लगता है, तीनों को बराबर कसना है, नहीं तो पंखा का जो स्लॉट है वो जाम हो जाएगा। देखिए मैं स्क्रूप ड्राइवर से इसको पहले हल्का हल्का कसे, हल्का हल्का कसने के बाद में इसमें पतला वाला स्क्रू ड्राइवर डालें और इसको चेक कर लें। देखिए अभी टाइट हो गया है, इसको फिर से खोलना पड़ेगा। इस स्क्रू को हम टाइट करेंगे, अभी टाइट नहीं किए पूरा, तीनों को बराबर टाइट करना है, क्योंकि तीनों टाइट नहीं होगा तो उसका जो राउंड है वो टच करेगा, टच करने से पंखा जाम हो सकता है। मैंने इसको बराबर टाइट कर दिया, इसको तभी ये फिर चलेगा। इसको चेक करते हैं, पतला वाला स्क्रू डालेंगे इसमें, स्क्रू ड्राइवर इसको चेक कराएंगे, कहीं रुकना नहीं चाहिए। देखिए हमारे पंखा फ्री चल रहा है और इसको मैं अब इसको लगा देंगे। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।